नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा खन्ना, आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बाल तोड़ प्रॉब्लम से जो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, उस तकलीफ से घरेलू नुस्खे से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, आपको ये इसका जो भी है ना इलाज, वो घर पे ही मिल जाएगा। आप मार्केट में भी जाओगे ना तो इससे रिलीफ नहीं मिलता है, बट ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसको आप घर पे ही यूज करेंगे ना तो देखिए डेफिनेटली आपको उससे, उसके दर्द से, उसके तकलीफ से आपको राहत मिलने लगेगी। देखिए, जब बाल तोड़ होता है ना, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। बॉडी के जिस पार्ट में बाल तोड़ होता है, घाव सा बन जाता है, उस जगह पे फुंसी के आसपास स्वेलिंग आ जाती है और बहुत जलन होती है, जलन लगने में मचती है, तो उस चीज से हमें छुटकारा कैसे मिल सकता है। तो आज मैं कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे टिप्स दे रही हूँ जिससे कि आपको है ना उस दर्द से, उस तकलीफ से छुटकारा मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला जो होता है ना वो हल्दी होता है। हल्दी जो होता है ना बहुत फायदा करता है किसी भी तरीके के चोट से, दर्द में। आप हल्दी जो लगाते हो ना वो बहुत आराम देता है। तो हल्दी का लेप बनाना है आपको। लेप बनाकर उस घाव वाले जगह पे, बाल तोड़ वाले जगह पे आपको रखना है। देखिएगा, उससे आपके बॉडी में जो स्वेलिंग आ गई थी वो भी कम होती है और जो दर्द है वो भी कम हो जाएगा। और दूसरा जो बहुत, मतलब मैं बोलूँगी कि जलन, जब ये घाव जो बाल तोड़ होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत तकलीफ होता है उस समय। मतलब ये जो तकलीफ होता है ना एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो उस तकलीफ में जब जलन जब होती है बॉडी में, स्किन में, तो उससे रिलीफ पाने के लिए आपको लेना है जो हीना, हीना मतलब कि मेहंदी, मेहंदी आपको लेना है। मेहंदी वैसे ही ठंडक पहुंचाती है शरीर में। आप जब लगाओगे उसको लेप बनाकर, तो वो जो आपका जलन है वो ऑब्जर्व करेगा और जलन, और साथ में आपको काफ़ी राहत देगा। तीसरा प्रमुख जो नुस्खा है वो है नीम। देखिए, नीम भी जो होता है बहुत फायदा करता है। इस तरीके से जब बाल तोड़ हो जाता है तो उसका लेप बनाए और लेप बनाकर उस जगह पर अप्लाई करें, और देखिए उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, काफ़ी आराम मिलेगा। तो वो भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास जैसे नीम अवेलेबल नहीं है उस कंडीशन में। देखिए, प्याज हर घर में रहता है, तो प्याज का एक स्लाइस लें, जिस जगह में आपका घाव या बाल तोड़ है उस जगह पर उस स्लाइस को रखें और थोड़ा देर रहने दें। और साथ में उसे करना यह है कि आपको उस स्लाइस को किसी कपड़े के थ्रू हेल्प से उस लपेट कर उसे रख दे कुछ देर के लिए, और एक घंटा, लगभग एक घंटा रखें, एक घंटे बाद उसे निकाल दे। तो इस तरीके से देखिए कुछ दिन करेंगे तो आपका जो बाल तोड़ है उसमें काफी आराम मिल जाएगा और आपको छुटकारा मिल जाएगा इस तकलीफ। उसके बाद देखिए, बहुत जरूरी चीज बता रही हूँ, ये जो होता है ना, देखिए दही और जीरा, जो ये हम मोस्टली क्या करते हैं खाने के लिए, ये ठंडक देती है हमारी बॉडी में। गर्मियों के टाइम में हम रायता वगैरह बहुत खाते हैं, वैसे ही जब बाल तोड़ हो जाता है ना तो आपको ये दही और जीरा उसी तरीके से आपको रिलीफ देने वाला है। तो देखिए, करना ये है कि दही जो होता है उसमें जीरा का पाउडर डालना है और पाउडर को मिक्स करना अच्छे से, और उसको है ना लेप की तरह उस बाल तोड़ वाले एरिया में आपको लगाना है और लगाकर थोड़ा देर छोड़ देना है। देखिए, उससे आपका जो जलन है उसमें काफी रिलीफ मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ये है कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिसे आप यूज कर अपने जो इस दर्द से, तकलीफ से छुटकारा पा सकते हैं। कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर कमेंट्स करिएगा, और अगर आप अप्लाई करते हो उसके बाद मेरे वीडियो में आकर जरूर कमेंट्स करना, अगर इसे यूज करते हो तो आपको रिलीफ मिला कि नहीं उसका भी मुझे अगर कमेंट्स के थ्रू आप बताते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ, पर एंड करने से पहले लाइक कमेंट्स कर जाइएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। ओके, नमस्कार।